आज हम कॉस्टशीट के तीसरे लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कॉस्टशीट का इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मेट समझा है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक बार कॉस्टशीट रिवाइज कर लेते हैं, वर्ड्स कहाँ पे जाएंगे समझ के लेते, फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। सॉल्व होने के बाद आप इसको अपने बुक में सॉल्व करके लें। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्टशीट। एवरीवन, कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तीन चीजें आते हैं, बोलो कौन कौन सा? मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में तीन आते हैं, कौन कौन सा? फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। ये सब मिला के क्या बनता है? कॉस्टशीट। स्टॉक के तीन टाइप होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, स्टॉक ऑफ WIP होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तीनों ओपनिंग, तीनों क्लोज। फाइन, याद रखना। चलो पहला फॉर्मेट समझाता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो बचेगा अमाउंट आउटर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस आउटर, डायरेक्ट एक्सपेंस आउटर, तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में या इनडायरेक्ट कॉस्ट में, पहला फैक्ट्री का खर्चा, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, WIP एड, WIP लेस। फिर मिलेगा वर्क कॉस्ट, फिर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा, ठीक है। फिर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर फिनिश गुड्स एड, फिनिश गुड्स लेस। फिर मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग का खर्चा, उसको ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। ये फॉर्मेट है, ये याद कर लेंगे। फाइन, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, पहले हर एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ, कहाँ पे क्या जाए, फिर मैं आपको उसको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके देता हूँ। एवरीवन इज रेडी? रिलैक्स, वर्ड्स देखना क्या लिखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको मन में रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। अब यहाँ पे देखना, रॉ मटेरियल रिटर्न बोला है, तो जो परचेज का अमाउंट होगा ना, उसमें से ये रॉ मटेरियल रिटर्न, परचेज रिटर्न है, वो माइनस कर देगा, ठीक है, डायरेक्ट बॉक्स के अंदर। वेजेस पेड टू वर्कर, डायरेक्ट वेजेस होता है, वेजेस पेड टू वर्कर, डायरेक्ट वेजेस। वेजेस पेड टू अनप्रोडक्टिव वर्कर, हमने लास्ट लेक्चर में किया, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, याद रखना, ये फैक्ट्री के खर्चे में जाएगा। रेंट ऑफ वर्कशॉप, वर्कशॉप फैक्ट्री का खर्चा। रिपेयर टू प्लांट, प्लांट कहाँ रखा रहेगा, मशीनरीज कहाँ रखा रहेगा, फैक्ट्री, तो ये भी फैक्ट्री का खर्चा। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, परचेज ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी ऊपर, स्टाफ का सैलरी, ऑफिस। अभी कैरेज के दो टाइप है, कैरेज ऑन परचेज बोला रहेगा तो यहाँ पे ऊपर आएगा, कैरेज ऑन सेल, कैरेज आउटवर्ड माना जाता है, तो ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, याद रखना, सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। फ्यूल, गैस, वाटर, ये सब कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फिर से मशीनरी कहाँ रहता है? फैक्ट्री। डायरेक्ट एक्सपेंस करके आएगा। अब जब हम ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे तो मैं आपको हर एक वर्ड कहा जाएगा वो लिख के भी दूंगा। फाइन, चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बोलो, याद करने की कोशिश करो, हमेशा कॉस्टशीट का स्टार्ट डायरेक्ट कॉस्ट से हो, इससे होगा डायरेक्ट कॉस्ट। चलो चलो कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉस्ट से, जस्ट मिनट। डायरेक्ट कॉस्ट से स्टार्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला चीज बोलो याद करो, रॉ मटेरियल क्या कंज्यूम। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम में याद करो, स्टार्ट भी एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल। ढूंढो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 50,000, ये देखो 50,000 लिखते हो गया खत्म। फिर आना क्या चाहिए याद करना, परचेस, इसमें क्या ऐड करने का? परचेस। अभी देखना मैं क्या कर रहा हूं, परचेस का अमाउंट दिख रहा है आपको 1,40,000 है, माइनस परचेस रिटर्न 4,000, ये परचेस रिटर्न है ना, तो उसमें से क्या करेंगे माइनस, तो बोला 1,36,000, तो ये भी लिख के हो गया, ये भी लिख के हो गया, अपना फॉर्मेट याद करना। फिर क्या ऐड होना चाहिए? कैरेज। अभी दिख रहे कैरेज के दो टाइप है, परचेज पे भी है, सेल पे भी, हम परचेज वाला कैरेज लिखते हैं, सेल वाला एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, तो ये लिख के हो गया कैरेज। फिर आना क्या चाहिए बोलो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ढूंढो है क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 36,000। अभी आराम से 50,000 में एड किया 136,
ऐड किया 1000 माइनस किया 36000, तो बैलेंस इज 1,51,000। बैलेंस कितना है सर? 1,51,000। चलो ये हो गया। याद करो नेक्स्ट चीज क्या होना चाहिए? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस किधर? डायरेक्ट वेजेस, ये वेजेस पेड टू वर्कर इज डायरेक्ट वेजेस। नॉन प्रोडक्टिव बोला तो फैक्ट्री में जाएगा वेजेस। 36000 डायरेक्ट आउट। फिर याद करो क्या होना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ये दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो 1600। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिख रहा है सर? 1600। ये हो गया, तीनों लिख के तीनों को हम ऐड कर देंगे। ये 1600 में से 600 इधर आया, 6 और ये 7 और ये 1 8 आया, ये 5 3 8 आया और ये 1, तो 1,88,600। The amount is 1,88,600। अब नाम दो इसको, नाम क्या बोलते? बोलो प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड, क्या बोलते? बोलो इसको प्राइम कॉस्ट। बोलो लास्ट लेक्चर अभी सब कुछ सेम है, खाली परचेज रिटर्न था तो माइनस थे, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। आधा क्वेश्चन हो गया। सेकेंड हाफ क्या होना चाहिए सर? सेकेंड हाफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या था सर? डायरेक्ट। ये क्या है सर? इनडायरेक्ट। चलो इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला चीज फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ढाई नहीं चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स है। पहला वेजेस टू वर्कर है, दिख रहा है? तो वेजेस टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कर बोला है, देखो हमें दिख रहा है आपको 4000। तो मैंने ये 4000 देखो इनर में लिखा, ए दिख रहा है सबको। फिर रेंट टू वर्कशॉप है, अमाउंट क्या दिख रहा है सर? रेंट टू वर्कशॉप 5000। तो ये देखो 5000 लिखा, तो ये लिख के हो गया, ये भी लिख के हो गया। रिपेयर टू मशीनरी भी आएगा, तो दिख रहा है कि मैंने रिपेयर टू मशीनरी दिखाया कितना? 1200। वेरी गुड, 1200 दिखाया। वेरी गुड, एक नंबर। ये भी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये आएगा। यस, फ्यूल गैस वाटर, फ्यूल गैस वाटर लिख के हो गया। ठीक है, ये भी लिख के हो गया, रिपेयर टू प्लांट हो गया। फ्यूल गैस वाटर कितना? 2000। ये देखो 2000। फिर वन और एक चीज है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिख रहा है क्या? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एक नंबर। कुछ गलती लोग है ना, ध्यान नहीं देते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ ध्यान से। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2800। और कुछ है क्या? देखो और कुछ है क्या? नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये हो गया, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं होगा। चलो हो गया। फिर लेस सेल ऑफ व्हाट? स्क्रैप। बोला लेस व्हाट? सेल ऑफ स्क्रैप। पूरे क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप नहीं था, तो देखो मैंने क्या लिख दिया? नहीं, पहले इसका टोटल करते हैं। लाई नीचे 4000, 5000, 1200, 2000 और 2500, तो ये 15000 हो गए। नहीं तो कुछ होगा ना, 15000। अब ऐड करो, ऐड क्या ऐड करो सर? याद करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वेरी गुड। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या? वर्क इन प्रोग्रेस ए नहीं है, वेरी गुड। ये दोनों ऐड लेस करने के लिए कुछ भी नहीं। अभी एक 1,88,600 में 15000 क्या करेंगे? ऐड। तो पहला 600 ऐसे किस आ गया, 8 और 5 13 होता है, तो 3 एक कैरी, 9 और 1 10 0 1 कैरी, तो इट इज 2,03,600। क्या मिला सर? ये मिला वर्क कॉस्ट। बोलो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्क कॉस्ट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में फैक्ट्री में दो वर्ड थे, यहाँ पे बहुत है, क्या फर्क पड़ता है? सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्क कॉस्ट तक पहुंच गए सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें ऐड होना चाहिए ऑफिस एंड व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ढाई नहीं करना, ऑफिस एक्सपेंस करके खुद वर्ड है कि नहीं 3000, तो मैं इसके सामने ही दिखा रहा हूँ 3000। ये दिख रहा है ना सबको 3000? चलो तो ये लिख के हो गया। एडवर्टाइजमेंट नहीं, सेलिंग में आता है वो, नहीं हो गया, ये हो गया। स्टाफ सैलरी आएगा, अमाउंट बोलना जरा, स्टाफ सैलरी का 10000, एक नंबर। अमाउंट स्टाफ सैलरी का 10000, देखना ये लिख के हो गया स्टाफ सैलरी। फ्यूल नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो सब हो गया। ये तो एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंस ही है, परचेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट ये भी। चलो ऑलमोस्ट डन। इसमें दो ही वर्ड है,
दस प्लस तीन 13,000, अभी इस 2,33,000 में वो 13,000 क्या कर देंगे ऐड, तो 2,13,000 मतलब 16,600। सर इसको क्या नाम दोगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या बोलेंगे इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या बोलेंगे इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर एड अगेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, ए लेस अगेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ए नहीं है, टोटल रिमेन सेम 2,16,600। क्या बोलते हैं सर इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ क्या बोलो गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या देख लास्ट खर्चा बाकी है अभी भी कौन सा सेलिंग, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे दो वर्ड दिख रहे, एक तो एडवर्टाइजमेंट है तो पहले लिख के लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये अमाउंट बोलना प्लीज 2400, ये लिखा मैंने 2400, ये भी हो गया। और कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल इज कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल अमाउंट बोलो 3,000, अमाउंट कितना है 3,000, मैंने 3,000 लिख दिया, ये अमाउंट क्या लिख दिया मैंने सर 3,000, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया फाइन, कुछ और देख क्या नहीं। चलो चलो इसका टोटल करते हैं 5,400 ऐड कर दो, तो ये 400 और 400 जीरो हो गया, वन कैरी, ये 6 और 6 12, वन कैरी 2, 2 तो 2,22,000 इज व्हाट टोटल कॉस्ट, इज व्हाट टोटल कॉस्ट, इज व्हाट टोटल कॉस्ट। अभी आराम से बताओ पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी सेल्स दिया है तो बोलो सेल्स 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 नहीं, जब क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है तो हम प्रॉफिट और सेल्स कुछ नहीं ढूंढ सकते, प्रॉफिट सेल में से एक चीज देना चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं दिया सेल्स भी नहीं दिया एडजस्टमेंट भी नहीं दिया तो ये क्वेश्चन नहीं खत्म। टोटल कॉस्ट अगर सर सेल दिया होता 3,00,000 तो मैं लिखता 3,00,000 और बाकी का क्या होता प्रॉफिट, जब क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है सेल्स पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वी आर डन विद द क्वेश्चन। अगर प्रॉफिट भी बोलते ना 25,000 में लिखता प्रॉफिट 25,000 सेल्स नहीं दिया, तो देखो यहां चाहिए तो आप ये चीज कर सकते हो, प्रॉफिट नॉट गिवन सेल्स भी नॉट गिवन खत्म, दिया ही तो कैसे दूर दे सकते। अब देख रहे हो ना सेम चीज कर रहे हैं क्वेश्चन में, खाली वर्ड्स चेंज होते जाएंगे, हमारा फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज होगा बट ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। देखो फिर से एक बार डायरेक्ट कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा, ये चार वर्ड फिक्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेस, खाली परचेस रिटर्न का तो मैंने माइनस कर दिया, कैरेज कैरेज ऑफ परचेस खाली कैरेज वाला तो इधर ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा ये उसका टोटल आया माइनस करके, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट वेजेस लिख दिया मैंने, ये आ गया प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट में फैक्ट्री के इतने सारे खर्चे थे, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं था, ये टोटल WIP नहीं है, फिर ये 188 भी, ये 15,000 ऐड करके आ गया 2,03,600 वर्क कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस में दो वर्ड थे ये टोटल, ये ऐड करके बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, WIP नहीं है सेम, सेलिंग में दो वर्ड है ये दोनों का टोटल ऐड करके आया टोटल कॉस्ट। हर जगह पे ऐड ही होता है, खाली क्लोजिंग स्टॉक जाते रहते हैं लेस होता है, वरना हर जगह पे ऐड ही होता है। एवरीवन इज ओके विद दिस, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मेट याद करना प्लीज, फॉर्मेट याद करना प्लीज, फॉर्मेट याद करना प्लीज। थैंक यू फॉर ऑफ यू, कॉपी करके लेंगे हम क्वेश्चन के साथ।